यूं तो हम इनका तारुफ इनके लोकप्रिय माता पिता के नाम से करा सकते हैं, लेकिन आज फिल्म जगत में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना डाली है। जनाब सैफ अली खान पहले पर्दे पर एक कामयाब स्टार हैं, एक दिल फरेब शख्सियत के मालिक हैं। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सैफ, आपके माता पिता दोनों को कम उम्र में कामयाबी के रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर लिए थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको कामयाबी पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है? जी, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हर इंसान का रास्ता अलग होता है। मुझे कम से कम ये तो मालूम है कि मैंने अपनी सही नौकरी चुनी है। काम करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आता है। ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे पास एक अच्छा घर है, अच्छी बच्ची है, अच्छी बीवी है, और काम भी काफ़ी मिल रहा है आजकल। तो कामयाबी मिले ना मिले, मुझे उम्मीद है कि मिलेगी, लेकिन मैं इस वक्त भी काफ़ी खुश हूँ। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग एस्टैब्लिश होने के बाद शादी करते हैं, लेकिन आपने तो काफ़ी पहले कर ली। जहाँ तक का मुझे मालूम है, मुझ में बहुत कम चीज़ें हैं जो आम लोगों में दिखाई देती हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें अलग की हैं। मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी है, और अगर मुझे दिल की आवाज़ में काफ़ी सुनता हूँ और दिमाग की कम। आप तो कहते हैं कि आपने काफ़ी चीज़ें अलग की हैं, और क्या क्या अलग की हैं एक नॉर्मल इंसान से? मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की स्कूल के बाद, जो करनी चाहिए, और शायद मैं बाद में करूँगा। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं उन चीज़ों पे कम ध्यान देता हूँ जो आम लोगों शायद देते हैं। मैं ये नहीं पूछता कि आपके अब्बा क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं आई एम टू ओपन, मैं कुछ एक मतलब गैर इंसान को भी अपनी पूरी राम कथा सुना देता हूँ कभी कभी। ये शायद अच्छी बात है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मतलब द क्वेश्चंस आई हैव इन लाइफ आर स्लाइटली डिफरेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट एंड नॉट आल्सो एक्चुअली। सिर्फ ये सवाल आपसे कई बार पहले भी पूछा गया होगा, आप क्रिकेट की ओर क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने अब्बा की तरह नहीं खेल सकता हूँ। ये जब मैं 6 साल का था मुझे पता चल गया था। ये लगा कि आप अपनी अम्मी से जितनी बेटर एक्टिंग कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि मैं उनसे शायद मैं लड़का हूँ और वो लड़की हैं। जी हाँ, वो डिफरेंस तो है ही, वो डिफरेंस तो इतनी कंपैरिजन नहीं हो सकती। लेकिन मैं अपने, हाँ, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू बी एज गुड, बहुत सक्सेसफुल, आई थिंक आई कैन डू दैट। बहुत सक्सेसफुल भी थी, आई थिंक आई कैन, या शी वाज वेरी सक्सेसफुल, आई थिंक आई कैन एक्ट, बट आई नो आई कुडंट प्ले क्रिकेट। सो अच्छा, only 11, 11 ही लोग खेल सकते हैं पूरे देश में। I mean, लेकिन अगर मैं खेल सकता था तो ये बहुत अच्छी बात होती है। I mean, I'm quite a romantic at heart. मैं तो सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा स्टार होता। थर्ड जनरेशन, ग्रैंडफादर कैप्टन, फादर कैप्टन, सन कैप्टन, सैफ अली खान कैप्टन ऑफ इंडिया। डोंट यू थिंक? क्यों नहीं, क्वाइट कूल इट वुड बी। क्या मालूम ऐसी कोई फिल्म बने जिसमें ऐसा मौका मिले। हाँ जी, लेकिन मैं तो उसमें काम नहीं करूँगा। अच्छा, आपको मुंबई में क्या औरों के कंपैरिजन में कम स्ट्रगल करना पड़ा अपनी जगह बनाने के लिए? मतलब ज़्यादा लोग बोलते हैं स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि ऑटो रिक्शा में बैठो और 10 चक्करें काटो, और किसी के ऑफिस में अच्छी एक ऐसे जैसे सोफे में बैठो आप 3 घंटे के लिए, तो इसे स्ट्रगल कहते हैं। मेरी स्ट्रगल भी थी, लेकिन अलग थी। मुझे तो अपनी पहली फिल्म से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला कि यू लीव योर गर्लफ्रेंड or you do the film. Achha, so film is a moral choice. How do you say moral choice in Hindi? Zindagi ne aapko dorahe pe raakar khada kar diya, dharm sankat. It's pretty dramatic. Dharm sankat, yeah. Puri hai, ek career mein. Film jo kacche dhaage hai, jo aane wali hai. Wo bol rahe hai aapko ki jaldi aur puchha, aur puchha. Jo ye bhi ek multi-starrer hai. They've got these things in their ears, these guys. And he tells them everything. Ye ek multi-starrer hai. और इस सी दे रोबोट्स दिस टू, नो देयर प्रीटी फेसेस रिप्रेजेंटिंग द पीपल बिहाइंड द ग्लास जस्ट लाइक एक्टर्स, ऑल एक्टर्स, या द
slight difference. Okay. Even though Marlon Brando used to do this. Okay. Used to get cued his lines from his ear. Okay. Someone else used to say the line. Yeah? Yeah. Shall we go? Yeah. Okay. Yeah. फिर भी ओले ओले में आपने कमाल का डांस किया. थैंक यू सर. कैसे? बहुत मेहनत की मैंने. मैं सरोज खान के साथ मैंने अपनी करियर शुरू की और बस लाइट्स बंद कर दी. मैं कोरियोग्राफर आता था, मुझे मूवमेंट दिखाता था, मैं बोलता था प्लीज़ लाइट्स बंद कर दीजिए आपके 15-20 मिनट के लिए, और एक घंटे के लिए लगे रहते थे हम लोग अंधेरे में. जी, अंधेरे में रिहर्सल 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 रिहर्सल. और मतलब थोड़ा सा तो दिमाग है मेरे पास, और 20 फिल्मों के बाद अगर थोड़ी बहुत मतलब डांसिंग एक्टिंग नहीं आती तो जी बहुत गड़बड़ है. आपकी कई फिल्में कामयाब हैं और इनमें आप इन सब फिल्मों में आप किसी को हीरो के साथ आए, तो क्या आप अकेले एक फिल्म का भार अपने कंधों पर नहीं उठा सकते? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, सही कहानी नहीं मिली मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुझे दो हीरो की कहानी में सफलता मिल सकती है और अगर लोग कहें कि सैफ का काम अच्छा था तो इसका मतलब कि मतलब सोलो फिल्म में भी कंपैरिजन हो जाता है. नहीं, सी लाइक आई विल से इट इन इंग्लिश, आई कांट इवन से इट इन इंग्लिश.